सो गाइस, आप सभी को इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको वी एन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ठीक है, वी एन एप्लीकेशन को जब आप ओपन करोगे तो कैसे आपको कुछ ऐसे इंटरफेस दिखेगा। फिर आपको सिंपली यहाँ पे इसको स्किप करके एंड जो है जल्दी से यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर जाकर आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके आपको यहाँ पे अपनी कोई भी वीडियो को पहले ओपन कर लेना है। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो का लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका आपको म्यूजिक लेना है, तो आप उसको एक बार ऑन कर लेना। ठीक है, पहले मतलब उस वीडियो को। फिर उसके बाद गाइज आपको जो यहाँ पे है मतलब कि जब आपकी वीडियो यहाँ पे ऑन हो जाएगी तो यहाँ पे आपको ना कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा कि यार वीडियो का, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको ना यहाँ पे अपनी वीडियो लेनी है। ठीक है, तो जैसे गाइज ये वीडियो हमारे ऐड करनी है तो मैं इसको ले लेता हूँ पहले। ठीक है, फिर उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे क्रॉप वाला ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो आपको इसको सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने गाइज इसको साइज आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको गाइज दिखेगी एक तो आपको यहाँ पे ये वाला साइज लेना है। ठीक है, 4:3 वाला, एंड उसके बाद आपको एक साइज़ हो रहा है इसमें जो यूट्यूब के थंबनेल के लिए जो है मतलब कि जो आपको दिख रहा है ये वाला, तो एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों में सब कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, बट मैं आपको बोलूँगा ज़्यादा सही रहेगा हमारा यूट्यूब का जो थंबनेल वाला जो साइज़ है ये वाला ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि तीनों वीडियो आने में ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, तो आप चाहो तो वाला ऑप्शन भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लेके एंड इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका साइज़ थोड़ा छोटा करेंगे एंड कुछ इस टाइप से जो है हल्का हल्का छोटा करके एंड इसको जो है हम यहाँ पे नीचे की साइड में इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, फिर इतना हो जाने के बाद आपको फिर अगेन उसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको जाकर जो है दूसरी वाली वीडियो जो है आपकी उसको सिंपली आपको हमें क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको क्रॉप पे जाना है। ठीक है, वापस से सेम वही, फिर यहाँ पे यूट्यूब वाला साइज़ ले लेंगे एंड यहाँ पे हम इसको कर देंगे डन। ठीक है, अब इसको लेकर हम यहाँ पे इसका जो साइज़ है इसको भी यहाँ पे हम छोटा करेंगे, थोड़ा कुछ इतना कर लेंगे एंड इसको भी हम सेम साइज़ में वैसे ही रख देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब गाइस आपको सेम चीज़ वही करनी है, आपको जो तीसरी वाली वीडियो उसको भी ऐसे ही ऐड करना है। ठीक है, तो इसको हम कर दें। सो गाइस जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारी जो मतलब यहाँ तक तो हमने इतना कर दिया। ठीक है, अब इसमें गाइस आप इसको अगर और भी अच्छा बनाना चाहते हो तो गाइस इसमें आपको थोड़ा सा मतलब कलर करेक्शन करके आप उसको और भी ज़्यादा बेटर बना सकते हो एंड जो गाइस कलर करेक्शन के ऊपर जो है पूरी कंप्लीट वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको उसको वाली वीडियो को जाकर वॉच करना। बाकी गाइस आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं तक थी, तो गाइस आशा करता हूँ और आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस हमारे यहाँ पे जो वीडियो एकदम कंप्लीट एडिट हो चुकी है तो लास्ट में वाटर मार्क जो है उसको डिलीट कर देना एंड जो लास्ट में जो लेयर होगी गाइस आपको वहाँ पे भी इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे गाइस देख सकते हैं हमारी जो ये वाली वीडियो यहाँ पे खत्म हो रही है, तो हम इसकी जो साइज़ की लेंथ है हम इतना ही रखेंगे, तो बाकी हम ट्रिम पे जाके बाकी सारी वीडियोस को हम यहाँ पे डिलीट मार देंगे। तो यहाँ से हम इसको ट्रिम करके डिलीट कर देते हैं एंड यहाँ पे इतना परफेक्ट है। अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हम सिंपली यहाँ से जो है चला के देख लेते हैं थोड़ा। तो अब इसमें क्या है, आपको ना अभी थोड़ा सा म्यूज़िक भी ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि म्यूज़िक ऐड नहीं करेंगे तो यार वीडियो तो यार मतलब अच्छी लगेगी नहीं। तो अभी क्या करेंगे, हम इसमें जाएंगे यहाँ से जो म्यूज़िक वाला ऑप्शन है आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है एंड इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो एक्सटेंडेड फ्रॉम वीडियो है जो उस पर क्लिक कर देना है आपको एंड अगर यहाँ पे जो है हम इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक भी मिलेगी, आपको सिंपली इसको डाउनलोड करना है एंड यहाँ से आपको उसका म्यूजिक लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको सिंपली राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद जो है यहाँ पे हम थोड़ा चला के देखते हैं हमारी जो वीडियो किस टाइप की बनी है, तो उसको हम हल्का साउंड करते हैं एंड गाइस तो आप देखिएगा इस म्यूज़िक के साथ जो एकदम परफेक्ट एडिट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसी वीडियो बनाना है एंड इंस्टाग्राम पर मेरे को टैग जरूर करना है, इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो मुझे टैग जरूर करना क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ आप लोग किस टाइप की वीडियोज़ और किस तरीके से एडिट कर रहे हो। तो बाकी चलिएगा, इसमें मिलता हूँ सुबह किसी और नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।